स्टार के खिलाड़ी गेंद के ठीक पीछे है, कोशिश करते हुए इस गेंद को छीनने का प्रयास में, और इस तरह से निकाले गेंद को खूबसूरती के साथ में। व्हाइट जर्सी यानी कि बजरा के खिलाड़ी के पास मौका हो सकता है, शॉट इसमें लगाए, लेकिन मैं आप तमाम दर्शकों को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सरना फुटबॉल और लाइव स्पॉट, इन दोनों चैनलों पर हार्दिक अभिनंदन है तमाम खिलाड़ी का, तमाम दर्शकों का। इसमें आप मुकाबला देख पा रहे हैं, चीरी गई इस खूबसूरत ग्राउंड से, और आप YouTube के माध्यम से भी इस मुकाबले का एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। कौन से खिलाड़ी किस तरह से खेले, कहां गलती किया, ये सारा कुछ आप देख पाएंगे YouTube के माध्यम से। तो फिलहाल बजरा प्रयास करते हुए अपने साथ एक तरफ गेंद को बढ़ाए हैं, गेंद तो रुका है वहां पर, अरे क्या गेंद को उठाए हैं, वाह मजा आ गया। और जो छोटे छोटे खिलाड़ी है उनके लिए काफी कुछ सीखने की है इस खेल में, और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, और बड़ी बड़ी टीमें यहां पर पहुंचे हैं। ओहो, बहुत ही शानदार दंडाती हुई शॉट वहां पर, ये टीम काफी कम गलती करती है, गलती का काफी कम गुंजाइश होता है, और ये खिलाड़ी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जर्सी नंबर 9, ये बहुत ही चार खिलाड़ी का अकेले है, जैसे ये काम करते हैं, छकाने की बात हो, गेंद को दौड़ाने की बात हो, फिलहाल 3 नंबर ये कार्य करते हुए हल्के से पास करते हुए एजे स्टाइल के पास इस समय गेंद है, और व्हाइट जर्सी गेंद को लेने का काफी प्रयास में है। 19 नंबर जर्सी के पास गया, एजे स्टाइल ने पास करते हुए अपने साथी को 16 नंबर को, और 16 नंबर गेंद को 10 नंबर की तरफ धकेला था, लेकिन गेंद बाहर गई। मैदान की चारों दिशाओं में इस समय दर्शक इस खेल का मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए, आनंद उठाते हुए, क्या शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस ग्राउंड में किया गया है, चिरी मैदान शहीद शेख भिखारी फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के सौजन्य से सभी खिलाड़ियों को यह मौका मिला कि वो आकर के यहाँ अपना प्रतिभा, अपना खेल का प्रदर्शन हजारों दर्शकों के बीच में करे। और एजे स्टाइल एक बार फिर से गेंद को निकालते हुए अपने साथी खिलाड़ी की तरफ गेंद को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़िया शॉट इस बार मारे हैं, ओहो गोलकीपर के पास गेंद गई, सुंदर प्रयास वहां पर देखने को मिला, किसका बचन। और इस तरह से व्हाइट जर्सी यानी कि बजरा रांची के पास गेंद, हल्के से गेंद को बीट करना चाहते थे वहां पर, लेकिन विसिल की आवाज वहां पर सुनाई पड़ा, इतना आसान नहीं होगा गोल करना, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से बात की जाए तो एजे स्टाइल के खिलाड़ी काफी स्टाइल से खेलते हैं, और हमेशा अपने विपक्षी खिलाड़ी पर, विपक्षी टीम पर भारी होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुंदर शॉट सीधे अपने साथी खिलाड़ी के पास, और उतनी ही बेहतरीन डिफेंस भी देखने को मिला, यही होता है बड़ा टीम जब खेलती है आपस में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है। खेल शुरू होने से पहले मैं बताया था आप लोगों को कि ये दोनों टीम के पास कोई हुई लाइनअप कर लेंगे आदिवासी टाइटल इतरा, ग्रीन पार्क इतरा और आदिवासी टाइटल 2 मिनट के अंदर लाइनअप कर ले दोनों टीम। सूचना आ चुका है दोनों टीम के कप्तान के लिए कि आप लोग अपने टीम को लाइनअप में रखें, और जैसे ये खेल समाप्त होगी अब मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। इस बार
शानदार डिफेंस करते हुए वहां पर एजे स्टाइल आईने बीच में विपक्षी टीम न्यू क्लब बाजरा अच्छा डिफेंस और मौका यहां पर हो ये क्या है, ये मौका चला गया भाई दर्शकों के बीच में। क्या इस प्रकार से मौका फिर मिलेंगे, ये बड़ा चूक है खिलाड़ी के द्वारा। गेंद को अगर पकड़ पाते तो निश्चित रूप से डिफेंस के लिए वहां पर थे नहीं, रास्ता आसान होता, लेकिन फिलहाल बराबरी पर ये खेल। अगर आपको जीतना है ये मुकाबला, इस खेल को, हाँ तो एक बात ध्यान देंगे, अगर मंच में बैठ के अगर जो भी बादाम खाएंगे ना उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, उनके ऊपर जुर्माना लग सकता है, इसलिए आप वहाँ हाँ एक थैला बादाम हम लोग को आ रहा है, इसलिए जुर्माना नहीं भी लग सकता है। जी हाँ, और इस तरह से गेंद को निकालने का प्रयास वहां पर बाजरा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास करते हुए, लेकिन एजे स्टाइल के सबसे लंबा खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 के पास गेंद गई थी, जर्सी नंबर 10 जो कि एजे स्टाइल के है उनके पास गेंद, लेकिन बाजरा का खिलाड़ी अब गेंद तक पहुंचे हैं। खेल तो ठीक ठाक चलता हुआ, अभी तक गोल नहीं हुआ है, इसका कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से साउंड वहां पर अच्छा हेडिंग, जबरदस्त शानदार हेडिंग दोनों ही तरफ से देखने को मिलता हुआ। बड़ी टीमों के बीच इसी तरह का जबरदस्त मुकाबला खेलने को देखने को मिलते हैं, तो छोटे खिलाड़ी उनके लिए काफी कुछ सीखने का मौका यहां पर। इस तरह से डिफेंस प्लेयर के द्वारा शॉट लगाते हुए पोसिंग इस समय 3 नंबर खिलाड़ी वहां पर थे, अब 19 नंबर गेंद को घुमाते हुए छकाते हुए क्या निकाले हैं गेंद को, खूबसूरत बहुत ही अच्छा, वाह वाह, कहां से बीच में दूसरे खिलाड़ी आ गए, मौका हो सकता है और फिर से गेंद यहां पर जबरदस्त डिफेंस, गेंद जाते हुए दीवार तोड़ शॉट, काफी दूर गई गेंद। एजे स्टाइल का अच्छा प्रयास, एजे स्टाइल वन सेकेंड और इसके बाद की जो टीमें हैं आप लोग लाइनअप में रहे, अभी तक दिख नहीं रहे, मैं बार बार आपको सूचना दे रहा हूँ कि आप लोग लाइनअप में रहे। न्यू और ग्रीन पार्क इटरा वर्सेस आदिवासी टाइटल, आप लोग लाइनअप में रहे। अरे फिर से मौका यहाँ पर था, स्टाइल काफी मौका बना रहे हैं लेकिन उस मौके का अभी तक पूरा लाभ उठाने में असमर्थ है, कहीं ना कहीं डिफेंस न्यू क्लब बाजरा रांची के द्वारा बढ़िया किया जा रहा है। फिर से एजे स्टाइल के पास गेंद और इस तरह से गेंद को गोल पोस्ट की तरफ मारा गया है, मारा तो उधर गया है लेकिन इस बीच बाहर गई गेंद। जी हाँ, जब इस खेल का आप एंजॉय करेंगे यूट्यूब पर तो जी हाँ आपके लिए, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि लाइव मैच जो देखते हैं उसमें कमेंट्री की काफी भूमिका होता है, इसके बगैर खेल आपको मजा नहीं आएगा। तो ग्रीन पार्क इटरा लाइनअप कर ले, ग्रीन पार्क इटरा आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आदिवासी टाइटल लाइनअप कर चुकी है, ग्रीन पार्क इटरा लाइनअप कर ले। ओ समय
एजे स्टाइल अपने साथी की तरफ पास करते हुए, जबकि बाजरा सामने है। नवा खिलाड़ी बाजरा का नहीं बल्कि विपक्षी टीम का, और इस समय व्हाइट जर्सी में बाजरा है। पुश करते हुए गेंद को और 19 नंबर फिर से गेंद को पकड़ते हुए, क्या करेंगे वो, पास करेंगे, हिट करेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बढ़िया डिफेंस करते हुए नजर आए हैं अभी तक। मैं पहले ही बताया था कि गोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि दो मजबूत टीम जब आपस में खेलती है तो थोड़ी सी समस्या गोल करने में देखने को मिला है, क्योंकि इनके पास कमजोरी नहीं होता है। कुछ मौका मिल गया, अगर गोल मार दिए तो ठीक है, तो फिर प्लेंटी शूट आउट पर जाइए, यही कहानी होता है बड़ी टीमों के बीच में। फिलहाल एज स्टाइल हल्के से पास करते हुए थोड़ा सा दबाव बनाए हैं एज स्टाइल अपने विपक्षी टीम बाजरा पर। जी हाँ, जैसे नंबर 9 बाजरा के सबसे लंबे खिलाड़ी के पास गेंद है और गेंद को निकालने का प्रयास वहां पर विपक्षी टीम, लेकिन गेंद को जब भी गेंद जाती है तो फिलहाल एज स्टाइल के पास ही गेंद जाती है। सभी मुद्रा में इस समय है डिफेंस का। फिर से जैसे नंबर 9 के पास गई जो कि एज स्टाइल का है, उन्होंने पास कर दिया अपना साथी खिलाड़ी 16 नंबर को। गोल पोस्ट ज्यादा दूर नहीं है, शॉट मारेगा वहां पर आ रहा है ये खिलाड़ी। बिल्कुल अकेले थे, तन्हा थे, अंधेरे में थे, प्रकाश की जरूरत था वहां पर, लाइट की जरूरत था वहां पर, नहीं मारे। अगर मारते तो उनके पास गेंद जाती, और जब गेंद जाती तो वो जो है शॉट मारते पोस्ट पर। फिलहाल ये सब होता जो कि नहीं हुआ हुआ। काफी खूबसूरत तरीके से गेंद को एज स्टाइल एहने के खिलाड़ी लेकर के जाते हैं गोल पोस्ट के तरफ, लेकिन इस बार खराब शॉट का चयन वहां पर जर्सी नंबर 16 के द्वारा। और इस तरह से एक टीम लाइनअप में आ चुकी है। मैं इनके कप्तान को धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी टीम के कप्तान को सूचना देना चाहूंगा कि आप भी आ जाएं, लाइनअप पे रहें, क्योंकि समय की कमी है। और इस समय ये मुकाबला आप एंजॉय कर रहे हैं चिड़ी मैदान प्रखंड कुरु जिला लोहरदगा। काफी खूबसूरत है ये ग्राउंड है, यहाँ ये मुकाबला खेला जा रहा है शहीद सिंह भिखारी फुटबॉल प्रतियोगिता 2022। और ऐसे में जो टीम है जो एक दूसरे से खेल रही है एज स्टाइल एने एक तरफ और दूसरे तरफ न्यू क्लब बाजरा रांची की टीम है। अभी तक बराबरी पर यह मुकाबला है, 0-0 की बराबरी है। अभी तक गोल नहीं लगे हैं, गोल देखने को नहीं मिले हैं प्रयास करते हुए, और अब प्रयास यही समाप्त होता हुआ, चूंकि समय समाप्त हो चुका है दोनों टीमों का जो निर्धारित समय दिया गया था, फिलहाल समाप्त हो चुका है। एक नए रोचक मुकाबला आप देखने को मिलेंगे, और टीम होंगे ग्रीन पार्क इटरा एक तरफ तो दूसरे तरफ होंगे आदिवासी।